गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होप करते हो आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सुबह के बज चुके हैं 7:30 और मिशन स्कूल मेरा कंप्लीट हो चुका है। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और फिर उसके बाद मैंने बनाई अपनी अदरक वाली चाय। और मौसम बाहर का बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, उसके साथ साथ चाय भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है मेरी। सो गाइस, मैं पहुँच चुकी हूँ कोर्ट और अब मैं करूँगी अपना काम और आपसे मिलती हूँ फिर मैं थोड़ी देर के बाद। गाइस, अभी अभी बस घर पहुंच के पानी पिया है। बच्चे भी स्कूल से आ चुके हैं और बाहर का 2-3 दिन से निकली नहीं थी, तो अब निकली हूँ तो बहुत ज़्यादा सफोकेशन सी हो रही है। मतलब गर्मी तो नहीं है लेकिन चिपचिपी गर्मी टाइप है। सो गाइस, शाम के बज रहे हैं 6 और मैं सो गई थी, सो के अभी उठी हूँ। बच्चे ट्यूशन से भी आ चुके हैं, मुझे पता नहीं चला कब ट्यूशन चले गए और कब आ भी गए। और बस अभी मैंने आई नूप लिया और अपने लिए चाय बनाई है और मौसम भी हमारा ठीक ही हो रहा है बाहर का। आई नूट जो बेटा चाय पी लो। सो गाइस, चाय पीने के बाद मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं क्योंकि आइनू की बहुत दिनों से तबीयत खराब हो रही है, मुझे उसको भी डॉक्टर के लेके जाना है। सो गाइस, आइनू को डॉक्टर के पास लेके गई थी, उसके बाद फिर मैं घर आ गई हूँ। और जो हमारे घर में छोटा बेबी आया है, उसके जब बेबी बोर्न होता है ना तो उसके अजान दिलती है, जो कि हमने नहीं दिलवाई थी क्योंकि हमारा बेबी NICU में था। तो अभी मैं और नीलू गए थे और बेबी को अजान दिलवा के लाए हैं क्योंकि अभी हमारा बेबी जो है वो NICU से 3 दिन पहले आया है। और डुगू को इतना शौक है बेबी लेने का, आते ही उसने बेबी को ले लिया है। और ये मेरी डार्लिंग आइनू का हाथ है, बहुत ही क्यूट बेटी है मेरी। तबीयत खराब है, इसको नजर भी लग जाती है, ऐसा लग रहा है बेबी को लेके। गाइस, मैं तो बिल्कुल AC के पास बैठी हूँ क्योंकि गर्मी लग रही है मुझे। आप जब कल हम अपने घर चले जाएंगे तो आप हमें कोर्ट से कब विदा करने आओगे वापस? मेरा बच्चा, मैं आपको विदा करने के लिए आऊंगी, ठीक है? और आप चले जाओगे ना तो मेरे को आपकी याद कम, लेकिन आपकी शैतानियों की याद बहुत आएगी मुझे। लेकिन मैं आपकी सुंदरता को मिस करूंगी बहुत ज्यादा। आरिस को गले लग जाओ, अब आरिस को हग्गी कर दो। चलो आरिस, हग्गी कर दो। बस 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 बस। गाइस, रात के बज रहे हैं 11:15 और ये टुकू मेरी गोदी में लेट के आराम से फोन में खेल रहा है। डिनर भी हो चुका है, बच्चों का स्कूल भी है कल, और जल्दी सोना हो रहा है, जल्दी उठना हो रहा है। वैसे तो हम लोग लेट ही सोते हैं, लेट ही उठते हैं जब बच्चों की छुट्टी होती है, लेकिन अब सारी चीज़ें जल्दी जल्दी हो रही हैं। बाकी सारे काम धीरे धीरे हो ही रहे हैं। पिछले दिनों काफ़ी बारिश रही है, लेकिन अब बारिश तो नहीं है लेकिन बहुत उमस सी बनी हुई है। और मम्मी की तबीयत भी अब ठीक है, पहले से थोड़ा सा मम्मी की तबीयत को भी लेकर मैं वरीड हो गई थी। मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बीच में हो गई थी, फिर ठीक हो गई थी, फिर दोबारा हो गई थी, वो बेहोश हो गई थी। तो मैं काफ़ी घबरा गई थी क्योंकि माँ से बढ़कर कुछ नहीं होता। बस ये चाहती हूँ, अल्लाह से दुआ है कि मम्मी ठीक रहें और सब कुछ ठीक रहे। और छोटी सिस्टर के बेटे को भी 15 डेज़ हो गए, तो अब वो शायद अपने कल घर जाएं, कल या परसों जाएंगे हम, तो वो मतलब वो जाएंगे कल या परसों, तो हम उनसे भी मिल के आए हैं कल। पता नहीं टाइम लगे ना लगे मुझे जाने का वहाँ पे, तो इसलिए मैं आज ही हो आई घर पे। और आइनू की मेडिसिन भी स्टार्ट हो गई है, तो अभी इसका वीकनेस है, धीरे धीरे रिकवरी हो जाएगी। कुछ टेस्ट बोले हैं डॉक्टर ने तो वो भी करवाने हैं मुझे। तो ऑल माई सब्सक्राइबर, मैं आज का व्लॉग यहीं पे करूंगी एंड और आपसे मिलूंगी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अच्छे से रहिए, खुश रहिए, अल्लाह पाक आपकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे। बाय बाय गाइज़।